हेलो दोस्तों, ग्रीन विजडम चैनल पर पौधों की जानकारी की श्रृंखला में आज के इस वीडियो में दिख रहे पौधे के बारे में जानकारी देंगे। यह पौधा तितली उद्यान में लगाया जाता है क्योंकि इस पौधे के सुंदर सुंदर फूले तितलियों को आकर्षित करती है, इसलिए इसे तितली उद्यानों में लगाया जाता है। यह पौधा लंबी लंबी बेल वाला पौधा है जो दीवारों, पेड़ों और अन्य संरचनाओं पर चढ़ते हुआ बढ़ता रहता है। इसके पत्ते दिल के आकार के और हरे हरे रंग के होते हैं। इसके फूल सफेद सफेद और गुच्छों में लगते हैं। यह पौधा हजारों छोटे हल्के बीज पैदा करता है जो हवा द्वारा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल जाते हैं। कृषि में यह पौधा मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए तथा यह पशुओं के लिए एक पौष्टिक चारे के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ इस पौधे को एक सजावटी पौधे के रूप में भी उगाया जाता है। यह पौधा मूल रूप से मध्य और दक्षिण अमेरिका का निवासी है, लेकिन अब यह दुनिया के कई हिस्सों में एक आक्रामक प्रजाति वाले पौधे के रूप में फैल चुका है। यह पौधा बहुत तेजी से बढ़ता और फैलता है और आसपास की वनस्पतियों, पेड़ पौधों पर छा जाता है, जिससे उन पौधों को सूर्य के प्रकाश और पोषक तत्वों तक पहुँचने में कठिनाई होती है। इसके साथ साथ यह पौधा स्थानीय पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, जिससे उनकी वृद्धि और प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। यह पौधा भारतीय उपमहाद्वीप की पारंपरिक लोक चिकित्सा प्रणालियों में विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं जैसे अल्सर, घावों को भरने, कीड़े के काटने और डंक मारने के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। यह पौधा सामान्यतः जंगली क्षेत्रों और दलदली क्षेत्रों में उगता है। बहुत सारी तितलियां इस पौधे पर निर्भर रहती है क्योंकि इनके लार्वा इस पौधे की पत्तियों को खाते हैं और वयस्क तितलियां इस पौधे के फूलों से अमृत चूसती है। जब इस पौधे के फूल खिलते हैं तो इसके फूलों के चारों तरफ तरह तरह की तितलियां एक मनमोहक दृश्य बनाती है जो इस पौधे की सुंदरता पर चार चांद लगा देती है। इस पौधे का वनस्पतिक नाम मिकानिया स्कैंडन्स है, जिसे इंग्लिश में क्लाइंबिंग हेम्पवाइन, क्लाइंबिंग हेम्पवीड और लाउस प्लास्टर आदि कई नामों से जाना जाता है। यदि यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।